दोस्तों जरा सोचिए, यदि पूरी दुनिया से चीनी गायब हो जाए या यूं कहें कि मीठा स्वाद ही गायब हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपके फेवरेट रसगुल्ले में तो कोई स्वाद बचेगा ही नहीं, और ना ही आपके चाय और कॉफ़ी में वो टेस्ट बचेगा। खैर छोड़िए, चीनी अभी ख़त्म होने नहीं जा रही है। दोस्तों चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर घरों में किया जाता है, यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई और न जाने कितनी चीज़ों के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या आपने कभी ये जानना चाहा है कि आखिर चीनी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, या चीनी को उसके चौकोर आकार में कैसे बदला जाता है, या चीनी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की जाती है जिससे चीनी इतना सफ़ेद दिखने लगता है। दोस्तों आज हम ऐसी ही कुछ जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे और ले चलेंगे आपको एक मज़ेदार सफ़र पर, जहां आप जान पाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इतनी सारी चीनी बनती कैसे है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा कि चीनी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने का यूज़ किया जाता है। मॉडर्न कंट्रीज़ में गन्ने की कटाई मुख्य रूप से मशीन के द्वारा की जाती है, हालांकि कुछ राज्यों में कटाई का काम हाथों से ही किया जाता है। इसके बाद इन कटे हुए गन्नों को डंठल के रूप में एकत्रित करके मशीन द्वारा ट्रकों में लोड करके शुगर मिल में भेज दिया जाता है। मिल में आने के बाद इन गन्नों को कन्वेयर बेल्ट पर फैलाया जाता है, जिन पर जेट्स मोटर की सहायता से तेज प्रेशर से गर्म पानी को डाला जाता है, जिससे सारी गंदगी और कीटाणु गन्ने से दूर हो जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद अब इस गन्ने को मिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है, लेकिन इससे पहले इन गन्नों को छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन गन्नों को वैक्यूम प्रेशर द्वारा सुखाया जाता है। उसके बाद अब एक बड़ी रोलर मशीन में गन्नों को भेज दिया जाता है, जो गन्नों को पूरी तरह से कुचलकर उसका रस निकाल देती है। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो कचरा बच जाता है उसे एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बाहर की ओर इकट्ठा किया जाता है, जिसे ट्रकों में लोड कर दिया जाता है तथा एक कंटेनर में गन्ने का रस इकट्ठा हो जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इस रस में गर्म पानी को मिलाया जाता है। गन्ने से निकलने वाला रस गहरे हरे रंग का एसिड होता है, जिसे शुद्ध करने और उसका रंग बदलने के लिए कई एजेंटों जैसे चूने का दूध जो रस के खट्टेपन को दूर करता है, और चुकंदर का रस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड और अन्य चीज़ों को मिलाया जाता है। फिर इस रस में उपस्थित अशुद्धि को हटा दिया जाता है। अब इस गन्ने के रस के सिरप को पहले ठंडा किया जाता है, फिर पुनः इसे बीट मशीन में डाला जाता है, जो इसे पानी के साथ साफ करती है। अब इस पानी वाले सिरप को गर्म किया जाता है, जिससे सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिससे रस गाढ़ा हो जाता है। इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद अब इस गाढ़े सिरप में 70% मिथाइलेट स्प्रिट और 30% ग्लिसरीन को मिलाया जाता है, जिससे कि इसका रंग सफ़ेद हो जाता है और यह गाढ़ा सिरप धीरे धीरे क्रिस्टलीकृत होने लगता है। इसी दौरान इस गाढ़े पेस्ट को एक दानेदार एसिडिक ट्रेन मशीन से निकाला जाता है, जो इसे चीनी का चौकोर आकार दे देती है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीनी के चौकोर आकार के लिए इसे किसी सांचे में नहीं डाला जाता, बल्कि चीनी का आकार इसके परमाणु संरचना के कारण चौकोर हो जाता है। जिन लोगों ने परमाणु की पढ़ाई करी होगी उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी। दोस्तों चीनी दानेदार हो जाने के बाद इसे गर्म हवा से सुखाया जाता है, फिर इस प्रोसेस के बाद इस चीनी को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें अलग अलग क्वांटिटी में पैक कर दिया जाता है। उसके बाद इसके बिक्री के लिए इन्हें फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से शुगर को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे सोचकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर दुनिया में मीठा स्वाद गायब हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। और आप अगर ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बगल वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।